भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा साहब ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारत और भारतीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। दलितों वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर देश के विकास में अग्रणी बनाने में उनकी भूमिका सदा याद की जाएगी। बाबा साहब की कीर्ति हमेशा गूंजती रहेगी। बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर हम सभी चलकर इस समाज को एक कर और राष्ट्र को एक करने में अपना योगदान दे सकते हैं। शोषित वंचित और महिलाओं के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय में प्रबल पक्षधर, अप्रतिम विधिवेता, सामाजिक समरसता, समानता एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के सपनों को साकार करने हेतु संकल्पित है। इस अवसर पर देवेश श्रीवास्तव, ब्रिजेश मणि मिश्रा, शशिकांत सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, मंजू चौधरी, आशीष गुप्ता, सोनू रणविजय शाही, अजय श्रीवास्तव, अवधेश अग्रहरी, जितेंद्र चौधरी, जीतू, अनुराग मझवार, कृष्ण कुमार, निखिल मोथानी, दुर्गेश कोरी, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, सिद्धांतो घोष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती को अपने वर्ष भर के 6 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम मानकर करती है। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सभी बूथों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जगह जगह पर जहां पर उनकी मूर्तियां हैं, मूर्तियों पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सभी जनपदों में एक संगोष्ठी का कार्यक्रम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर किया जा रहा है। आज हम लोग गोरखपुर के इस अंबेडकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबा साहब का जो मिशन था गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनको समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको ऊपर लाने का काम, वही काम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे ला करके बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ।